खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 बड़े वाला स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं 10,000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर, वो सीरीज जो आपको कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में, आरएएस एग्जाम में, एसीएफ एग्जाम में, आरपीएससी आरएसएमएमबी का और कोई एग्जाम हो जैसे रीट, पटवारी, पुलिस, सब एग्जाम में ये काम आने वाली है, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री तो हर पेपर में होती ही है। और आज हम कौन सी डायनेस्टी के क्वेश्चंस करेंगे? मेवाड़ डायनेस्टी के। इससे पहले एक पार्ट में मेवाड़ डायनेस्टी के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उससे पहले वाले वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराए हैं। अगर किसी का भी वो वीडियो मिस हुआ है तो प्लीज उस वीडियो को जाके ना मतलब देखना मत भूलिएगा, ठीक है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। और उस प्लेलिस्ट का नाम है 10,000 एमसीक्यू सीरीज। तो चले लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन से मेवाड़ राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि साइन की थी, ट्रीटी की थी? संग्राम सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड, भीम सिंह या फिर जगत सिंह सेकंड? तो इसका बच्चों सही आंसर है भीम सिंह। ये हम सॉर्ट ऑफ क्या खेल रहे हैं, केबीसी, तो इसमें मैं ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूं, ठीक है। जिन बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं उनको ठीक है, जिन्होंने मेवाड़ डायनेस्टी डिटेल पढ़ लिया है। अगर आपने मेवाड़ डायनेस्टी डिटेल से नहीं पढ़ा है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे मेरी स्पेशल क्लासेस जाके देख सकते हैं, फ्री क्लासेस है। फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोड है तरुणा लाइव, या फिर जो मेरा फेवरेट कोड है मारो राजस्थान परिवार का एक कोड है बच्चों MRP10, वो कोड भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे मुझसे पूरा डिटेल पढ़ना, राजस्थान हिस्ट्री या कुछ भी, तो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, यस टाइप जो है आप उसमें लाइव चैट के अंदर लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि किसने साइन की थी? भीम सिंह जी ने साइन की थी, ठीक है। भीम सिंह जी का कोरोनेशन राज्याभिषेक हुआ था 1778 के अंदर, और इनके टाइम पीरियड का सबसे दर्दनाक इंसिडेंट था कृष्णा कुमारी विवाद, जो कि जोधपुर और जयपुर के राजाओं के बीच में हुआ था। कृष्णा कुमारी से शादी करने को लेकर, विवाह करने को लेकर, और अंततोगत्वा लास्ट में कृष्णा कुमारी को जहर देकर इसमें मार दिया गया था इस विवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंसा भाई, जो कि मंदोर के राजा राव चुंडा सिंह राठौड़ की बेटी थी, उनकी शादी किससे हुई थी? राणा लाखा ऑफ मेवाड़, राणा हमीर ऑफ मेवाड़, रावल रतन सिंह या फिर रण सिंह, किससे हुई थी बताइए? इसका क्विक फास्ट आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका सही आंसर है राणा लाखा ऑफ मेवाड़ से हुई थी। अच्छा बच्चों, राव चुंडा राठौड़ के नाम से दो पर्सन आएंगे, एक तो मंदोर के राजा राव चुंडा राठौड़ जिनसे हंसाबाई की शादी हुई थी, दूसरा जो है सिसोदिया डायनेस्टी यानी कि मेवाड़ डायनेस्टी में राणा लाखा, जो महाराणा लाखा हुए हैं उनके बेटे थे राणा चुंडा। तो चुंडा नाम सेम है लेकिन एक राव चुंडा है और एक राणा चुंडा है, कभी आपको पेपर में कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम राव चुंडा मंदोर के राजा उनकी बेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारंगपुर बैटल किस किस के बीच में हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, महाराणा कुंभा और गुजरात के सुल्तान कुतुबद्दीन, महाराणा सांगा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, मालवा और गुजरात के सुल्तान। तो महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? हमारी हुई थी मतलब राणा कुंभा की हुई थी। और अभी आगे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बता दूंगी तो क्वेश्चन का मजा चला जाएगा, ठीक है बच्चों। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी मालवा के जो है उनके बीच में हुई थी 1437 के अंदर, और विनर कौन थे? महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ किसकी याद में बनाया था, किसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया था? चंपानेर समझौते को, सारंगपुर की लड़ाई को, खातोली के युद्ध को या फिर गागरोन के युद्ध को? तो सारंगपुर के युद्ध में जो इनकी जीत हुई थी उस जीत को मनाने के लिए, उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया था बच्चों? विजय स्तंभ बनवाया था। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सारंगपुर बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किटेक्ट कुंभलगढ़ फोर्ट के निर्माता, आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन थे जिन्होंने उसका सारा नक्शा, डिजाइन सब तैयार करवाया था? देवराज, महेश, मंडन या फिर अत्री? तो इसका आंसर है बच्चों मंडन। मंडन ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और ये वास्तुकार भी थे, ठीक है। तो मंडन वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, गुहिल के कौन से राजा ने भगवान रामचंद्र की तरह एक उदाहरण पेश किया कि उन्हें सत्ता से कोई लालच नहीं था, भगवान रामचंद्र जी
15 साल का वनवास काटने के लिए अपने भाई भरत को, ठीक है, सारा का सारा साम्राज्य सौंपकर दे गए थे। बात तो सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया है मोकल, चुंडा, रणमल और कुंभा। तो ये एग्जाम्पल दिया है बच्चों, चुंडा जी ने ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। किसने दिया है? चुंडा जी ने, ठीक है। हाँ, ये कौन थे? महाराणा लाखा के बड़े बेटे थे, जिन्होंने शपथ खाई थी कि महाराणा लाखा की जो पत्नी थी हंसाबाई, जिनके बारे में अभी बात की, उनका जो बेटा होगा वही जो है मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये शपथ ली थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1457, 1456, 1460 या फिर 1454 के अंदर? चंपानेर, देखो बच्चा, चंपा, छप्पन, छप्पन, ठीक है, और चंपानेर में च भी आ रहा है, 1456, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो। तो कब हुई थी बच्चों? 1456 के अंदर। चंपन छप्पन याद कर लो, बस याद रहेगा, 1456 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये जो है किस लिए हुई थी? मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह, दोनों ने चंपानेर की संधि कर ली। किस लिए? मेवाड़ के महाराणा कुंभा को हराने के लिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने आबू पर तो कैप्चर कर लिया था, लेकिन वो कुंभलनेर और चित्तौड़ में आगे एंटर नहीं कर पाया था, इसका ये रिजल्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद है, मुगल राजा हुमायूं से चित्तौड़ की कौन सी रानी ने मदद मांगी थी? रानी करमवती, पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या फिर रानी सलहकवर? तो ये मदद मांगी थी बच्चों रानी करमवती ने। इन्होंने राखी भेजी थी हुमायूं को मदद के लिए, लेकिन क्या मदद मिली थी? नहीं मिली थी, मदद हुमायूं ने नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद है, रावत बाघ सिंह यानी कि बाघा, राणा सज्जा और सिंघा, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी कौन से साके के अंदर? चित्तौड़ के पहले साके, दूसरे, तीसरे या फिर none of the above? तो इन्होंने बच्चों दी थी चित्तौड़ के दूसरे साके के अंदर। किसके अंदर? चित्तौड़ के दूसरे साके के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का दूसरा साका किस किस के बीच में हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा साका ही है जब रानी करमवती जी ने हुमायूं से मदद मांगी थी। तो उस टाइम किसने अटैक कर रखा था उसने मेवाड़ के ऊपर? तो विक्रमादित्य और सुल्तान बहादुर शाह। तो किसने अटैक कर रखा था बच्चों? बहादुर शाह ने अटैक कर रखा था। तो महाराणा विक्रमादित्य और बहादुर शाह के टाइम पे जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर बागा और इनके, जिनके मैंने नाम बताए, इन्होंने क्या किया था? राणा सज्जा और सिंघा ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, रानी करमवती ने जौहर किया था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा चित्तौड़ के साका की डिटेल देख लेते हैं, बस दो मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ। चित्तौड़ के पहले साके को राजस्थान का दूसरा साका कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, रानी पद्मिनी, राजा राणा रतन सिंह थे इसके अंदर, गोरा बादल ने इसमें अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो चित्तौड़ के पहले साके में गोरा बादल, दूसरे में बागा और तीसरे के अंदर जैमल फत्ता ने दी थी, ठीक है बच्चों। दूसरा हुआ 1534-35 में, बहादुर शाह और महाराणा विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ था, रानी कर्म वती ने जोहर किया था, रावत बाघ सिंह, सज्जा और सिंघा ने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी थी। तीसरा साका चित्तौड़ का 1567 के अंदर हुआ था। तो पहला 1303, ठीक है, दूसरा काफी 200-300 सालों के बाद 1534-35 और तीसरा 1567 के अंदर। इसमें रानी फूलकंवर ने अकबर के टाइम पीरियड में जो है जोहर किया था और जैमल फत्ता ने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी थी लड़ते लड़ते, ठीक है बच्चों। भीष्म पिता ऑफ मेवाड़ किसको बोलते हैं? भीष्म पिता ऑफ मेवाड़ जो है वो बोला जाता है, किसको बोला जाता है? बप्पा रावल, राव चुंडा, राणा कुंभा या फिर राणा मोकल? तो राणा चुंडा आएगा बच्चों, ये गलती से लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। किसको माना जाता है? राणा चुंडा को माना जाता है, क्लियर है सबको? राणा चुंडा को माना जाता है, ठीक है। किस व्यक्ति ने हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली या फिर मेवाड़ का मैराथन जो है कहा था, ठीक है, ये बताओ। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली ऑफ मेवाड़, ठीक है, या फिर दिवेर के युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा था? दिवेर के युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़। तो मतलब इसको अगर बच्चों को भी कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि हल्दी घाटी को थर्मोपोली बोलते हैं या दिवेर को मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, तो याद कर लो मैराथन हो रही है, उसमें एक दीवार कूद के जानी है। तो दिवेर वाले युद्ध को तो मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, और हल्दी घाटी, हल्दी कब लगाते हैं? जब कोई गर्म चीज गिर जाए, और थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, मतलब कोई गर्म चीज गिर गई तो उसको ओवरकम करने के लिए हम हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स जो दी थी बच्चों, इसका आंसर है जेम्स टॉड ने। किसने दिया था ये टर्मिनोलॉजी? जेम्स टॉड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पे लोकेटेड है? ये एक तरह से रिविजन क्वेश्चन है, पिछली बार करवाया था मैंने, कहां पे है? आहड़ की बांदोली, नहीं आहड़ की नहीं, सॉरी, चावंड की बांदोली में।
कहाँ पे है बच्चों? चावंड की बांदोली के अंदर है, ठीक है। आहड़ में तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है, ठीक है। हाँ, बांदोली के अंदर, बांदोली चावंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? बहुत खूबसूरत जगह है, नहीं गए हो तो जाके देखना, ठीक है। तो ये करवाया है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। किसने करवाया है बच्चों? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। ऐसे याद कर लो, घर के अंदर झगड़ा हो रहा था सास बहू का, ठीक है। सास बहू मंदिर भी है उदयपुर ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो सास, मतलब उनकी माता हुई, कि तुम अपनी जगह पर जाओ, तुम्हारे लिए एक अलग से पार्क बनवाते हैं, उनके लिए अलग से। तो इन्होंने क्या कर दिया, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी बनवा दी। ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, ये मैं ट्रिक बता रही हूं इसको याद करने की, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है, 1710 से 1734 के टाइम पीरियड में बनाया गया था महारानियों के लिए, ठीक है। उसके बाद संबिधेश्वर टेंपल का निर्माण किसने करवाया? परमार राजा मुंज, परिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज या फिर राणा प्रताप। तो बच्चों इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था राजा भोज ने, ठीक है। जो समृद्ध होगा वही तो दूसरों के लिए भोज भंडारे लगाएगा ना, ऐसे याद करो इसको। तो संबिधेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने। लेकिन जब इन्होंने निर्माण करवाया तब इस मंदिर का नाम कुछ और था, ये नहीं था। क्या नाम था इस मंदिर का? उस टाइम पे नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो परमार राजा भोज ने करवाया। तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, संबिधेश्वर नाम किसने दे दिया? संबिधेश्वर नाम जो है महाराणा मोकल ने दिया, क्योंकि उन्होंने इसको रिनोवेशन करवाया था। रिनोवेशन करवाया था मतलब एक तरह से इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है बच्चों। तो महाराणा मोकल ने ये नाम दिया था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बनाना आएगा, किसने बनवाया, तो उसके अंदर परमार के राजा भोज का बनवाया हुआ ये मंदिर है, ठीक है। गुहिल वंश की नींव किसने रखी? बप्पा रावल, अल्लाट, जैत्र सिंह या फिर गुहादित्य। इसमें ज्यादातर बच्चे जो है बप्पा रावल पर टिक करके आते हैं। बप्पा रावल इज नॉट द आंसर। गुहिल डायनेस्टी की नींव जिन्होंने रखी है उनके नाम में ही गुहिल वर्ड आएगा, तो गुहादित्य क्या आंसर है? गुहादित्य, ठीक है। और 566 ईस्वी के अंदर कब रखी है? 566 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राजा ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया? रिवीजन क्वेश्चन, अल्लाट। किसने बनवाया था? अल्लाट ने बनाया था दूसरी राजधानी आहड़ को अपनी। ट्रेड सेंटर था, बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था, और अल्लाट के टाइम पीरियड में मेवाड़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, ठीक है। आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और मेवाड़ में पहली बार ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही की स्थापना भी अल्लाट द्वारा ही की गई थी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप चाहते हो ये वीडियो डेली 10 बजे रात को आए, मैं इसी तरीके से आपको केबीसी की तरह, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें जो भी आप चाहते हो, जिस टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहते हो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जगन्नाथ इंस्क्रिप्शन जो है जगन्नाथ राय मंदिर के अंदर उदयपुर में किसने लिखवाई थी, किसने उत्कीर्ण करवाई थी, कब करवाई थी? ये नहीं पूछा किसने करवाई थी, कब करवाई थी ये पूछा गया। जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है वो किसने लिखवाई थी? फिर किसने बोल रही हूँ, किसने वाला भी क्वेश्चन आएगा, अभी करेंगे, सॉरी। 1602, 1652, 1609 या 1559, तो ये करवाई गई थी उत्कीर्ण बच्चों 1652 के अंदर। कब करवाई गई थी? 1652 के अंदर करवाई गई थी, ठीक है। किसने करवाई थी ये आ गया, जगन्नाथ जी जो हैं उड़ीसा पुरी के अंदर, वो किसका रूप माने जाते हैं? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के और कौन से रूप हैं? कृष्ण। तो उन्होंने ही कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई थी, मतलब उन्हीं का नाम जो है, इनके लेखक का नाम है कृष्ण भट्ट आएगा, ठीक है। काले पत्थर के ऊपर लिखी गई है। इसमें जो है मेवाड़ डायनेस्टी के बप्पा रावल से लेकर राणा सांगर तक महाराणाओं की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, और ये कहां पर है? जगन्नाथ राय मंदिर के अंदर काले पत्थरों के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी वंश का नाम बताओ, डायनेस्टी का नाम बताओ जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक राज किया हो, ओनली डायनेस्टी। तो वो डायनेस्टी कौन सी होगी ये तो समझ ही जाओगे, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, गुहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ का गुहिल वंश, ठीक है बच्चों। हल्दी घाटी बैटल जो हुआ था, ठीक है, उसके अलावा डिवास्टेशन ऑफ सिरोंज, सिरोंज का जो विध्वंस हुआ था राजा करण के टाइम पीरियड में, महाराणा जगत सिंह की उपलब्धियां कौन सी प्रशस्ति में लिखी गई हैं? जगन्नाथ, चिड़वा, श्रृंगी या फिर कीर्ति। तो ये सारी बच्चों लिखी हुई हैं जगन्नाथ इंस्क्रिप्शन के अंदर। जगन्नाथ के अंदर बप्पा रावल से लेकर राणा सांगा तक की उपलब्धियां, उसके साथ साथ ये सारा वर्णन भी जगन्नाथ प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और ये कब बनी थी? 1652 में। इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप डिटेल्ड कोर्सेज करना चाहते हैं, मैं अनअकैडमी प्लस पे RAS ACF एग्जाम और राजस्थान GK फॉर ऑल एग्जाम, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो रीट हो, उनकी क्लासेस लेती हूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेज और लाइव क्लासेस को देखने के लिए हमारा कोड है MRP10, लगाइए बिंदास लगेगा। तरुणा लाइव लगाना है तरुणा लाइव लगाओ, आपकी मर्जी है। अनअकैडमी प्लस पे आओ तो पता चलना चाहिए बच्चा कहाँ से आया है, मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से आया है, ठीक है बच्चों। चले तो ये कोड है हमारा MRP10, मैंने आपको बता ही दिया, इसको अनलॉक करो तो आप जितनी भी क्लासेस हैं अनअकैडमी प्लस पे देख पाओगे, ठीक है। और प्लस सर्कल कम्युनिटी जो कि पेड क्लासेस होती हैं, वो भी आप MRP10 कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप लोग लगा सकते हो अनअकैडमी के प्लस पे, RPSC पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। RAS वाले बच्चे सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, RAS प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी, 7,500 रुपये पड़ेगा ये कोड लगाने के बाद MRP10, ठीक है। और बाकी सभी बच्चे अपना प्लान चूज कर सकते हैं, रीट की, पटवारी की, पुलिस की, जिसकी तैयारी कर रहे हो, सबके बैच कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। और मुझसे कोई बात पूछना चाहो, प्लस को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे पूछ सकते हो आप सभी स्टूडेंट्स। और मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है हमारा RAS क्रैकर, यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है 6:30, उसको मिस ना किया करें, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, और सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मारो राजस्थान को गाँव गाँव गली गली तक जाना ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, घनी घनी राम राम।